गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम सॉस पर ही चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में भी हमने आपको स्वास्थ्य क्या होता है और स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाना चाहिए इस पर चर्चा किया था। इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षण क्षमता टीकाकरण किसे कहते हैं। बच्चों हमारे शरीर में कुछ प्राकृतिक रूप से ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके द्वारा हम रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनसे बचाव के लिए हमको टीकाकरण की आवश्यकता होती है या उससे संबंधित हमको टीका लगाया जाता है। तो बच्चों टीकाकरण किसे कहते हैं? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई के द्वारा अथवा ड्रॉप के फॉर्म में जब हम शरीर में पहुंचाते हैं तो इसे कहते हैं टीकाकरण या प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाना। ठीक है बच्चों, अब प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है आइए इसको जान लें। इससे पहले हमने बताया था कि शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों प्रतिरक्षण क्षमता या टीकाकरण क्या होता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई के द्वारा या ड्रॉप के द्वारा जब शरीर में पहुंचा दिया जाता है तो शरीर संबंधित रोगाणु से लड़ने की क्षमता रखता है, यानी उसके अंदर संबंधित रोग को लड़ने की ताकत आ जाती है। बच्चों आज जो कोरोना वायरस से पूरा विश्व लड़ रहा है ऐसी बीमारी से, तो उसका टीकाकरण अभी नहीं आया है बाजार में, यानी वैक्सीन नहीं बन पाई है। इसी वजह से मृत्यु दर बढ़ रही है, यानी हर दिन मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। जब बाजार में कोरोना वायरस से होने वाले मर्ज का टीकाकरण आ जाएगा या टीका आ जाएगा तो उससे हम व्यक्ति को उस रोग से लड़ने की क्षमता व्यक्ति में पैदा कर सकते हैं, तो उस मृत्यु दर कम हो जाएगी। तो बात चल रही है अभी जो थेरेपी चल रही है जिसे ब्लड जिसको कोरोना वायरस से संबंधित डिजीज हो गई है या कोरोना का रोग हो गया है तो उस व्यक्ति के रक्त को इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ हद तक रक्त से प्लाज्मा निकालकर मरीज को दिया जा रहा है या इंजेक्ट कराया जा रहा है, तो प्लाज्मा के जाने से रोगी के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा की जा रही है, एंटीबॉडी पैदा की जा रही है जिससे मरीज स्वस्थ हो रहा है। तो यही क्रिया क्या कहला रही है, टीकाकरण या रोग से लड़ने के लिए व्यक्ति को तैयार किया जा रहा है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें बाजार में वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। तरह तरह के रोगों से लड़ने के लिए वैक्सीन आ गए हैं, लेकिन कोरोना से संबंधित जो मर्ज हो रहे हैं अभी बाजार में उसका टीका नहीं आया है, इसीलिए समस्याएं बढ़ रही हैं। बच्चों इसके अतिरिक्त कुछ मर्ज ऐसे होते हैं जो हमारे गलत खान पान से हो जाते हैं,
जिसे हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण किसे कहते हैं? शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो इस स्थिति को कुपोषण की स्थिति कहा जाता है। इससे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे रक्ताल्पता या क्वाशरकर रोग। इससे पहले हमने आपको रक्ताल्पता क्या होता है ये सब बारे में पढ़ाया था। बच्चों, वृद्धि निगरानी क्या होती है? वृद्धि निगरानी मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय से लेकर उसके निरंतर विकास पर जब ध्यान दिया जाता है, उसकी वृद्धि कैसे हो रही है, उसकी उचित देखभाल हो पा रही है, उसके शरीर का समुचित विकास हो रहा है या उसको उचित पोषण दिया जा रहा है, उसकी स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है तथा उसे रोगों से बचाया जा रहा है, ये सारा कार्य वृद्धि निगरानी के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न बातों को इस पाठ में आपने जाना। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनिस से बचाव के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति में गर्भवती महिला को TT का टीका लगाया जाता है। अब सही गलत में बच्चों, जो सही है उसके आगे सही का टिक करना है और जो गलत है उसको गलत करना है। जैसे टीकाकरण से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में रोगाणु से लड़ने की शक्ति नहीं होती। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके अंदर प्रतिरक्षण क्षमता ठीक है, यानी आपका शरीर रोगाणु से लड़ने की क्षमता रखता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वाशरकर रोग का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी है। बच्चों, प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशरकर रोग हो जाता है, तो ये सही है। अब इसके अतिरिक्त आपको कुछ प्रश्न और हम दे रहे हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जैसे खसरे का टीका किस आयु में लगाया जाता है? तो 9 से 12 माह में खसरे का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कौन सा खनिज लवण सहायक होता है? तो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के निर्माण के लिए या दांतों के लिए अच्छा माना जाता है, उसके विकास के लिए अच्छा माना जाता है। अब बच्चों, कुछ होमवर्क हम आपको दे रहे हैं गृह कार्य में, तो इसमें है प्रतिरक्षण क्या होता है। तो बच्चों, आपने ऊपर देखा ही होगा कि प्रतिरक्षण क्षमता किसे कहते हैं, यानी शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की जो क्षमता पैदा की जाती है वह प्रतिरक्षण क्षमता या टीकाकरण कहलाती है, ठीक है बच्चों। और दूसरा है, कुपोषण किसे कहते हैं? तो शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न आप कर लीजिएगा, इसे आगे के क्लास में हम बताएंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।